अब देखो इस वीडियो के अंदर हम तुमको बताने वाले हैं कि कैसे तुम लोग अपना खुद का OBB हेडशॉट फाइल बना सकते हो, और ये वाला जो मेथड रहेगा ये दोनों गेम के अंदर वर्किंग है, FF एंड FF मैक्स। तो अगर तुम लोग को समझ आ गया हो कि किस गेम की हम बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। एंड देखो हम तुम लोग को कोडिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, तो तुम लोग जा करके कोडिंग की फाइल को डाउनलोड कर लेना। एंड बहुत ही सिंपल सा मेथड है, तुम लोग डाउनलोड कर सकोगे। एंड वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ आ जाए एंड तुम लोग अपनी फाइल बना सकोगे। तो चलो फिर ना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर डालो। सो लेट्स बिगेन। अभी देखो तो सबसे पहले तुम लोग को अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर आना है। डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाने के बाद अभी तुम लोग को ये दो फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जो कि तुम्हारा रहेगा एक कॉन्फिग एंड OBB एडिटर डॉट जिप करके, ये जिप फाइल डाउनलोड कर लेना। एंड दूसरा वाला तुम्हारा रहेगा FF एंड FF मैक्स OBB हेडशॉट कोडिंग, ठीक है। तो इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना, लिंक तुम लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर देखो वहाँ पर लिंक नहीं रहता है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में चले जाओ, वहां पे तुम लोग को लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। एंड अगर देखो लिंक तुम लोग को कमेंट बॉक्स में भी नहीं मिलता है तो तुम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे इसका लिंक तुम लोग को डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों को डाउनलोड कर लेने के बाद अभी तुम्हें इन दोनों को अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर बना के रखना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे देखो हमारा ये डाउनलोड फोल्डर है, तो इस फोल्डर के अंदर हमने देखो एक OBB मेकिंग के नाम से फोल्डर बनाया है। एंड इसके अंदर ही देखो हमने ये इन दोनों फाइल को रखा हुआ है। एंड हाँ देखो ये वाला जो एप्लीकेशन है ये हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका नाम MT मैनेजर है, ये एक टाइप का फाइल मैनेजर है। तो इसका भी लिंक तुम लोग को मिल जाएगा, तो तुम लोग डाउनलोड कर लेना। अभी देखो इन दोनों फाइल को तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्फिग एंड OBB एडिटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो सिंपल से लॉन्ग प्रेस करो एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू का बटन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू करेंट डायरेक्टरी इसको टिक करके ओके कर देना है। ओके कर देते ही तुम्हारा ये जो जिप फाइल है ये फोल्डर के अंदर तब्दील हो जाएगा, बोले तो फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी देखो ये हो जाने के बाद अभी सिंपल से तुमको ये वाली फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपल से इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करो एंड एक्सट्रैक्ट टू के बटन के ऊपर क्लिक करो, देन ये वाला ऑप्शन टिक करके ओके कर दो। ओके कर देने के बाद अभी देखो हमारी दोनों फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब तुम लोग को ये दोनों डॉट जिप जो रहेगी, ये वाली जो जिप फाइल रहेगी इसको सिंपल से तुमको लात मार के डिलीट कर देना है। तो हम लोग यहाँ से इसको लात मार के डिलीट कर देते हैं। अभी देखो इसको डिलीट कर दिया है हमने। अब हम लोग को अपने गेम के जो OBB फाइल है उस OBB फाइल में से दो फाइल को उठाना पड़ेगा, जिसको हम लोग एडिट करेंगे एंड अपनी हेडशॉट की कोडिंग और बोले तो वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे। तो वैल्यू को पुट करने के लिए सबसे पहले फाइल को उठाना है, तो फाइल को उठाने के लिए तुम लोग को इधर साइड देखो, एक हमारा एक साइड ये है और एक साइड हमारा ये है। तो सिंपल से तुम्हें इधर साइड वाले में अपना स्टोरेज डायरेक्टरी खोल लेना है, तो यहाँ पे एक बार ऐसा रिफ्रेश करना है, देन ऊपर थ्री लाइन मिलेगी, यहाँ पे क्लिक करके स्टोरेज डायरेक्टरी पर आ जाना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद सिंपल से तुमको देखो यहाँ पे एंड्रॉयड का फोल्डर मिलेगा, तो एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर आना है। अभी यहाँ पर OBB मिलेगा, तो OBB के अंदर आ जाने के बाद अब देखो यहाँ पर मेरे डिवाइस के अंदर com.dts.gameName लिखा हुआ है। अब गेम नेम हमने इसको रीनेम किया हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो फोल्डर रहेगा उसका नाम लिखा रहेगा com.dts. एंड आगे तुम्हारे गेम का नेम FF मतलब उसका पूरा नाम लिखा रहेगा, ठीक है। और अगर तुम FF मैक्स का बना रहे हो तो FF मतलब पूरा नाम, उसके बाद लास्ट में मैक्स लिखा रहेगा। तो हमने इसको यहाँ पे रीनेम किया है क्योंकि यार स्ट्राइक वगैरह आ सकती है, तो इसीलिए हमने इसका नाम गेम नेम लिखा हुआ है। तो इस वाले फोल्डर के अंदर आना है, मतलब तुम्हारा जो com.dts. तुम्हारे गेम का जो फोल्डर रहेगा उस फोल्डर के अंदर आना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद अभी तुम लोग को main.201 जो भी ये लिखा रहेगा, इसके बाद com.dts फिर से गेम नेम मतलब जो तुम्हारा गेम रहेगा उसका नेम यहाँ पे लिखा रहेगा। मेरे डिवाइस में ये लिखा है क्योंकि हमने इसको रीनेम किया हुआ है। तो सिंपल से ये जो OBB मिलेगी ना, ये 500 MB या 300 MB जितने भी MB की होती है ये OBB, तो इसके ऊपर ऐसा टैप करना है। टैप कर देने के बाद सिंपल से देखो यहाँ पे तुमको आर्काइव व्यूअर मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा वेट करना है, देन SSD का एक फोल्डर मिलेगा, तो SSD के फोल्डर में आना है। देन यहाँ पे बिन मिलेगा, बिन के अंदर आ जाने के बाद डाटा के अंदर आ जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ पे तुम लोग को हज़ारों फाइल्स, हज़ारों क्या लाखों, जितना भी 3-4 करोड़ जो भी फाइल हो वो यहाँ पे दिख जाएगी। अब इन सब फाइल में से तुम्हें सिर्फ दो फाइल को उठाना है, तो उन दोनों फाइल को फाइंड करने के लिए तुम्हें यहाँ पे देखो ये वाला जो फोल्डर रहेगा FF एंड FF मैक्स हेडशॉट OBB कोड, तो इस कोडिंग के फोल्डर के अंदर आना है।
अभी यहाँ पे तुमको सबसे पहले तो ये जो पहला वाला एक फ़ाइल मिलेगा, तो पहले वाले फ़ाइल के अंदर आना है। अभी इसका फ़ाइल नेम लिखा रहेगा, यहाँ देख लो, पहले वाले फ़ाइल के अंदर पहले फ़ाइल नेम लिखा रहेगा। तो फ़ाइल नेम को ऐसा इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लेने के बाद बैक आना है। अभी हमने इसका फ़ाइल नेम अंदर जा करके कॉपी कर लिया है। अभी इधर साइड एक बार तुमको ऐसा रिफ़्रेश कर देना है, यहाँ पर यहाँ देखो एक बार ऐसा रिफ़्रेश करना है। जिधर साइड तुम्हारी OVB की फाइल्स रहेंगी, इधर साइड रिफ़्रेश कर देने के बाद अभी ऊपर देखो थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, देन सर्च करना है। सर्च पर आ जाने के बाद इसको हटाना है एंड तुमने जो फाइल नेम कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करके ओके करना है। देन तुम्हें ये एक फाइल को फाइंड करके दे देगा एंड इसके ऊपर ऐसा टैप करोगे, टैप कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करना है एंड ये वाली फाइल जो है वो तुम्हारी हरे कलर से हाईलाइटेड हो जाएगी। तो इस वाली फाइल को सिंपल से तुम्हें इधर साइड ऐसा कॉपी कर देना है। तो कॉपी करने के लिए पहले इसको बैक करना है एंड इस जगह पे तुमको ये वाली फाइल को जो हाईलाइट होकर आएगी फाइल, इसको सिंपल से इधर साइड एक्सट्रैक्ट, देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का बटन मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ देखो इसके ऊपर ऐसा लॉन्ग प्रेस करो, देन एक्सट्रैक्ट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दो। एंड इसको कॉपी कर देने के बाद अभी तुम्हें फिर से इस वाले कोडिंग के फोल्डर के अंदर आना है, अभी दूसरी वाली फाइल के अंदर आना है, देन दूसरे वाले फाइल का नेम कॉपी कर लेना है। यहाँ से फाइल नेम कॉपी कर लिया तुमने, अभी इधर साइड वापस आओ, देन इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करो। रिफ्रेश कर देने के बाद ऊपर थ्री डॉट मिलेगा, वापस क्लिक करो, देन सर्च पर वापस आओ एंड ये वाला जो नेम है इसको हटाना है एंड सेकेंड नंबर वाली जो फाइल नेम था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद ये फिर से तुम्हें एक न्यू फाइल को फाइंड करके दे देगा एंड इसके ऊपर टैप करो, टैप कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करना है एंड ये फिर से ग्रीन कलर से एक न्यू फाइल हाईलाइटेड हो जाएगी। देन इसको इधर साइड सिंपल से इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद अभी हमने फाइल उठा लिया है अपने गेम के अंदर से, अभी इसको हमें एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए तुम लोग को एक्सागेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, अगर पहले से डाउनलोड है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। एक्सागेयर का OVB और APK दोनों का लिंक हम तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, तो तुम लोग जाओ एक्सागेयर का OVB एंड APK डाउनलोड करके सेटअप कर लेना। तो सिंपल से पहले हम लोग एक्सागेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। हाँ तो देखो भाई एक्सागेयर एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो यहाँ पे तुम लोग को थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, देन मैनेज कंटेनर पे आ जाना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद मेरा देखो पहले से ही कंटेनर बना हुआ है, अगर तुम लोग पहली बार इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारा कंटेनर नहीं बना रहेगा। एंड कंटेनर बनाने के लिए प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करो, कंटेनर तुम्हारा बन जाएगा। देन कंटेनर का जो थ्री डॉट है इसके ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखो एक प्रॉपर्टीज़ मिलेगा, तो प्रॉपर्टीज़ पे आना है, देन कलर डेट मिलेगा तो यहाँ पे क्लिक करके इसको 32-bit सिलेक्ट कर देना है। अब इसको कर देने के बाद वापस बैक आओ एंड फिर से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ देख लो थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करो एंड रन एक्सप्लोरर यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड इसके ऊपर क्लिक करते ही तुम्हारा जो एक्सागेयर है वो ओपन होना चालू हो जाएगा। तो एक्सागेयर ओपन हो जाने के बाद अभी देखो हमने अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक OBB मेकिंग के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ था, तो वही फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है। अभी इसी फोल्डर के अंदर आना है एंड फोल्डर के अंदर आने के लिए तुम लोग को डबल टैप करना है, जैसे तुम लोग कंप्यूटर चलाते हो तो उसी तरह डबल टैप करके इसके अंदर आना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद सबसे पहले तुमको यहाँ पे कॉन्फिग एंड OBB एडिटर जो फोल्डर है हमारा, तो इसके अंदर आना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद असिस्ट बंडल एक्सट्रैक्टर .exe, तो इसके ऊपर ऐसा डबल टैप करना है एंड थोड़ा सा वेट करना है, इसका जो ये प्रोग्राम है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद फाइल के ऊपर टैप करना है, फाइल के ऊपर आ जाने के बाद ओपन पे आना है, ओपन पे आ जाने के बाद तुम लोग को माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर एंड इन सब के अंदर आने के लिए तुम लोग को डबल टैप करते जाना है, तुम लोग इसके अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पे आ जाने के बाद OBB मेकिंग के अंदर, अभी यहाँ पे आ जाने के बाद तुम लोग को देखो हमने इन दोनों फाइल को अपने गेम के फोल्डर से अंदर, मतलब गेम के जो OBB का फोल्डर था उसके अंदर से उठाया था, तो हमें सिंपल से सबसे पहले फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर टैप करो, देखो यहाँ पे पहली वाली सिलेक्ट हो गई है, तो इसको सिलेक्ट कर देने के बाद अभी यहाँ पे तुमको सबसे नीचे ओपन मिलेगा, तो एक को सिलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद अभी इन सब में से किसी एक ऑप्शन को ऐसा टिक करो, यहाँ देख लो काफ़ी सारा ऑप्शन आएगा, तो किसी एक के ऊपर टैप करो एंड स्क्रॉल डाउन कर दो, क्योंकि देखो अगर तुम लोग किसी एक के ऊपर टैप नहीं करोगे तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, तो किसी एक के ऊपर ऐसा टैप करो, नीचे कर दो एंड देखो सबसे नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखो मेरे डिवाइस में U2018.3.0F2 दिख रहा है, तो तुम्हें सिंपल से अपने डिवाइस के अंदर जो भी तुम्हारे डिवाइस के अंदर मतलब सबसे लास्ट वाला दिखे उसको ऐसा सिलेक्ट करो एंड ओके कर दो। ओके कर देने के बाद अभी ये वाला स्टेप तुम लोग ध्यान से देखना, तो तुम लोग को इस तरीके से आ जाने के बाद अभी यहाँ देखो एक नेम मिलेगा, यहाँ देख लो एक नेम लिखा है एंड यहाँ पे टाइप लिखा है, तो सिंपल से तुमको एक बार नेम के ऊपर टाइप करना है एंड टाइप के ऊपर क्लिक कर देना है एंड नेम और टाइप के ऊपर क्लिक कर देने के बाद
अभी यहाँ पे तुम लोग को देखो पाथ आईडी मिलेगी। तो पाथ आईडी में तुमको जो हमने पहली वाली फाइल को सिलेक्ट किया है, अगर तुम लोग पहली वाली सिलेक्ट करोगे तो पहली वाली फाइल के लिए हमारा पाथ आईडी रहेगा 94, एंड अगर तुम लोग दूसरी वाली फाइल को सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा पाथ आईडी रहेगा 41। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली वाली फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से ओपन किया है, तो हम लोग 94 को ढूंढेंगे। यहाँ देख लो पाथ आईडी यहाँ पे 46 47 पता नहीं क्या क्या लिखा है ना, तो हमें इस जगह पे 94 ढूंढना है। तो 94 हम लोग ऐसा नीचे जा करके देख लेंगे कि इस जगह पे है। हाँ देखो पाथ आईडी यहाँ पे 94 लिखा हुआ है, एंड उसके आगे देखो यहाँ पे पाथ आईडी इस तरीके से देखो यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यहाँ देखो पाथ आईडी 94 लिखा है, एंड इसी के बिल्कुल सामने देखो लिखा है अननेम्ड असिस्ट। तो सिंपल से तुमको इसको ऐसा सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखो अननेम्ड असिस्ट को ऐसा टाइप करोगे, अननेम्ड असिस्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और कौन सा वाला सिलेक्ट होगा? पाथ आईडी 94 वाला अननेम्ड असिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको सिलेक्ट कर देने के बाद तुम्हें अगर कन्फर्म करना है कि हाँ हमने पाथ आईडी 94 वाला ही सिलेक्ट किया है, तो जब तुम लोग किसी भी को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ देखो उसका पाथ आईडी यहाँ पे लिख जाएगा। तो यहाँ पे 94 लिखा है, इसका मतलब हमने सही वाला सिलेक्ट किया है। देन इसको कर देने के बाद एक्सपोर्ट डंप मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर ओबीबी मेकिंग के अंदर, और यहाँ पे आ जाने के बाद इसको सिंपल से इस तरीके से सेव कर देना है। तो सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अभी ओके करना है। ओके कर देने के बाद फिर से फाइल के ऊपर टैप करो, ओपन करो। ओपन कर देने के बाद माई कंप्यूटर एंड डी वाले फोल्डर के अंदर, एंड फिर से ओबीबी मेकिंग के अंदर। अभी देखो हमने पहली वाली फाइल को सिलेक्ट किया था पहले, अभी हम लोग सेकंड वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल से सेकंड वाली फाइल को सिलेक्ट करो, ऐसा टाइप करोगे सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसको कर देने के बाद ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद अभी तुम लोग को इन सब में से किसी एक के ऊपर टाइप करो, सबसे नीचे आओ एंड सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट कर लो, देन ओके कर दो। ओके कर देने के बाद अभी तुम्हें फिर से एक बार नेम एंड एक बार टाइप, इन दोनों के ऊपर टाइप करो, एंड इस बार तुम्हारी जो पाथ आईडी रहेगी वो रहेगी 41, क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड वाली फाइल को ओपन किया है। तो हम लोग यहाँ पर पाथ आईडी 41 देख लेते हैं, इधर कहीं होगा पाथ आईडी 41। हाँ देखो ये रहा, देखो यहाँ पे पाथ आईडी 41, इसके आगे देखो सिंपल से ये पाथ आईडी 41 लिखा है, एंड इसके आगे देखो ये जो अननेम्ड असिस्ट रहेगा। तो सिंपल से तुम लोग को यही वाला पाथ आईडी एंड अननेम्ड असिस्ट को ऐसा सिलेक्ट कर लेना है। एंड कंफर्म करने के लिए तुम लोग को यहाँ देखो ऊपर लिखा भी है पाथ आईडी 41 सिलेक्टेड है, एंड इसको कर देने के बाद इसमें भी सिंपल से तुम लोग को एक्सपोर्ट डंप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर ओबीबी मेकिंग के अंदर, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद अभी हम लोग का यहाँ पे काम पूरा होता है। अभी हम लोग चलते हैं इस फाइल को एडिट करने के लिए। तो फिर से हम लोग अपना एमटी मैनेजर ओपन कर लेते हैं। तो एमटी मैनेजर के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो हमने इन दोनों फाइल को एक्सागेल के अंदर से निकाला हुआ है। तो ये दोनों फाइल को तुम लोग को इधर साइड देखो एक कॉलम मिल जाएगा, दूसरा वाला कॉलम जो रहेगा ना तुम्हारा, तो इसके अंदर ये वाला जो फोल्डर रहेगा एफएफ एंड एफएफ मैक्स ओबीबी हेडशॉट कोड, तो इस फोल्डर के अंदर तुम लोग को इन दोनों फाइल को ऐसा सिलेक्ट करना है। सिंपल से ऐसा एक सिलेक्ट करो, मतलब ऐसा स्वाइप करोगे एक सिलेक्ट हो जाएगा, देन दूसरा वाला भी ऐसा सिलेक्ट करना है, एंड सिंपल से दोनों को मूव करा देना है इधर साइड वाले फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे इन दोनों को मूव करा देने के बाद अभी देखो तुम लोग को इसका जो शुरुआत का नेम है ये दोनों कॉमन है, अननेम्ड असिस्ट अननेम्ड असिस्ट, तो सिंपल से तुम लोग को इन दोनों को भूल जाओ, ये तो कॉमन नेम है। लेकिन इसके बाद का जो नेम है यहाँ देखो लिखा हुआ है 3B3B9D, एंड सेकंड वाले में देखो लिखा है EE259AC। तो सिंपल से तुम लोग को देखो इन दोनों का जो मतलब नेम है उसी हिसाब से तुम्हें कोडिंग डालना है। तो कोडिंग को डालने के लिए देखो इसका जो नेम है 3B3B9D, तो इसके लिए देखो हमने एक फाइल दिया हुआ है हेडशॉट कोड फॉर 3B3B9D। तो इसका मतलब ये है कि बोले तो इसका वाला जो कोड रहेगा इधर वाली फाइल के अंदर वर्क करेगा, मतलब इसका वाला जो नेम है, नेम तुम लोग मैच कर लेना तो इसका कोड इसके अंदर वर्क करेगा, एंड जो ये वाला जो फाइल है मतलब EE259A वाला, तो ये उसके लिए अभी हमने एक फाइल दी हुई है हेडशॉट कोड फॉर EE259A, मतलब इसका जो कोड है वो इधर साइड वर्क करेगा। एंड तुम लोग को ये दो फाइल तो तुम लोग एक्सागेयर से निकालोगे, एंड ये दो वाली मतलब ये जो दो कोडिंग की फाइल रहेगी इन दोनों को तुम लोग डाउनलोड कर लेना। तो इसके लिए मतलब इसका जो कोडिंग को पुट करने का मेथड है वो हम तुम लोग को बता देते हैं। अभी देखो तुम लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो हेडशॉट कोड फॉर हम बताते हैं तुम लोग को 3B3B वाले का, तो 3B3B वाला पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ देखो इसके अंदर कुछ कोडिंग टाइप का कुछ लिखा रहेगा, तो सबसे पहले तुम लोग को इसको खोल लेने के बाद अभी 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है, एंड इसको इधर साइड ऐसे देखो इधर साइड ऐसा स्वाइप करोगे तो यहाँ देखो एक पिन का बटन मिलेगा, मतलब अपलोड टाइप का ऐसा पिन का बटन मिलेगा, तो इसके ऊपर टाइप करो, ये फाइल हमारी पिन हो जाएगी। अभी इसको बैक कर देना है। बैक कर देने के बाद अब देखो हमने फाइल कौन सी खोली थी, 3B3B वाली, मतलब ये वाली फाइल खोली थी। तो हम लोग इसमें इस बार खोलेंगे 3B3B वाली, मतलब ये वाली फाइल अगर हमने पहले खोली हुआ है तो इसी से रिलेटेड जो फाइल है ये वाली 3B3B वाली, तो इसको भी ऐसा सेम खोलेंगे। एंड खोल लेने के बाद इधर साइड वापस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, एंड वापस से देखो हमने जो फाइल को पिन किया हुआ था वो फाइल यहाँ पे दिख रही है, और कौन सी है, 3B3B9D। यहाँ देखो इसका नेम देखो एंड इसका नेम देखो सेम है। तो सिंपल से तुमको कोडिंग पे आना है। यहाँ देखो
ऐसा कोडिंग पे आ जाना है। कोडिंग पे आ जाने के बाद अभी देखो यहाँ पे तुम लोग को इसका जो नेम वगैरह है ये तो हमने यूज़ कर ही लिया है। अभी यहाँ पे मेन कोडिंग आता है, देखो यहाँ पे एक रेडियस लिखा है एंड फ्लोट एक्स वाई जेड लिखा है। तो रेडियस को एडिट करने के लिए यहाँ देखो लाइन नंबर 10 एडिट वैल्यू लिखी हुई है, तो लाइन नंबर 10 की एडिट वैल्यू देख लेना है तुम लोग को। सबसे पहले इसको ऐसा कॉपी करना है सिंपल से, जीरो से लेकर के इतना ऐसा जितना हमने सिलेक्ट किया है इतना सिलेक्ट करो एंड कॉपी कर लो। एंड कौन सी लाइन पर है? लाइन नंबर 10 के ऊपर। तो इधर साइड वापस आएंगे, अपने मेन जो रियल फोल्डर है, रियल फाइल है, उसके अंदर आएंगे एंड लाइन नंबर 10 को ढूंढेंगे। तो यहाँ देखो लाइन नंबर 10 ये रहा। तो सिंपल से जो हमने कॉपी किया था जीरो से लेकर के उतना ऐसा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद ये जो पुरानी कोडिंग है इसको हटाना है एंड अपनी न्यू कोडिंग को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद अभी देखो हमने लाइन नंबर 10 की कोडिंग पेस्ट कर दिया है। अभी इधर साइड वापस आएंगे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट एक्स वाई जेड एंड इसका लाइन नंबर देखो लाइन नंबर 14, 15, 16 एडिट वैल्यू, मतलब 14, 15, 16 को साथ में एडिट करना है। तो सिंपल से तुमको ऐसा जीरो से लेकर के एंड इतना तीनों लाइन ऐसा सिंपल से ऐसा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर देने बाद कॉपी करो, इधर साइड वापस आओ अपने रियल फोल्डर के अंदर, रियल फाइल के अंदर एंड यहाँ देखो लिखा हुआ है 14, 15, 16 ये फाइल है, मतलब जो लाइन नंबर है। तो लाइन नंबर ऐसा 14, 15, 16 इतना ऐसा सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, तीनों हटा मतलब सिलेक्ट कर देने के बाद इसको हटाना है एंड अपनी वाली कोडिंग को पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट कर देने के बाद इसको ऐसा मतलब इसको कर देना है, मतलब बैलेंस जो भी है स्पेस वाला ऐसा लगा देना है। इसको लगा देने के बाद अभी सिंपल से तुमको देखो सबसे ऊपर सेव का बटन मिलेगा, तो सेव कर देना है। अब यहाँ पे सेव कर देने के बाद अभी इसको यहाँ पे ऐसा कट कर देना है। तो ऐसा स्वाइप करोगे, यहाँ देखो पहला वाला ऐसा कट करना है, तो ऐसा स्वाइप करो, ये कट का निशान मिलेगा तो कट कर दो इसको। एंड इसी तरह इस पर भी ऐसा टाइप मतलब स्वाइप करो एंड कट कर दो, तो हमारी दोनों फाइल कट हो जाएगी एंड ये वाली फाइल जो है सेव हो जाएगी। ग्रीन कलर से देखो हाईलाइटेड हो चुकी है, इसका मतलब एडिट हो चुकी है। लेकिन इससे ही रिलेटेड देखो एक और फाइल बन जाएगी जो कि ब्लैक कलर की रहेगी, तो इसको लात मार के डिलीट कर दो। अब देखो हमने 3v3v वाले को एडिट कर दिया है, अभी हम लोग इसको एडिट करते हैं जो कि EE25 9AC वाला है। तो EE25 पहले कोडिंग खोलेंगे, इसको इधर साइड स्वाइप करके ऐसा पिन करेंगे, पिन कर देने के बाद बैक आएंगे, बैक आ जाने के बाद रियल वाली कोडिंग खोलेंगे जो कि EE25 वाला है। अब इधर साइड वापस से टाइप करेंगे एंड कोडिंग के अंदर आएंगे। अभी देखो इसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा कोड दिया हुआ है पाथ आईडी को एडिट करने के लिए, तो पाथ आईडी को सिंपल से ऐसा कॉपी कर लेंगे पहले ये वाली कोडिंग को। लाइन नंबर कौन सा है? चौथा का, इतना ऐसा सिलेक्ट करो एंड लाइन नंबर कौन सी एडिट करना है? लाइन नंबर 4। तो इधर साइड वापस आएंगे, लाइन नंबर 4 ढूंढेंगे, तो लाइन नंबर 4 हाँ देखो ये रहा। तो लाइन नंबर 4 को इतना हटाएंगे एंड अपना वाला कोडिंग को पेस्ट कर देंगे। इधर साइड वापस आएंगे, देन अभी हम लोग रेडियस हाइट एंड यहाँ देखो रेडियस हाइट डायरेक्शन इन तीनों का एडिट करना है, तो तीनों का ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर देने के बाद कॉपी एंड कौन सा लाइन नंबर है? लाइन नंबर 10, 11, 12। तो 10, 11, 12 इधर साइड आएंगे, तो यहाँ देखो 10, 11, यहाँ देखो 11 एंड 12। तो इन तीनों का ऐसा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद इधर साइड हटाना है, 10, 11, 12 को हटाना है एंड अपने वाले को कोडिंग को पेस्ट कर देना है एंड इसको जो भी है इसको आगे स्पेस वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे। इसको कर देने के बाद अभी आएंगे वापस, एक आखिरी कोड है फ्लोट एक्स वाई जेड। तो फ्लोट एक्स वाई जेड तीनों ऐसा कॉपी करेंगे, लाइन नंबर कौन सा है? 14, 15, 16। तो 14, 15, 16 ये रहा, देखो लाइन नंबर यहाँ देखो 14, 15, 16। तो इसको ऐसा सिलेक्ट करेंगे, जीरो को भी साथ ले, अरे यार जीरो को भी साथ ले लेते हैं, ये तीनों हटाएंगे एंड अपने वाले 14, 15, 16 फ्लोट एक्स वाई जेड को पेस्ट कर देंगे एंड इसका स्पेस वगैरह लगा देते हैं यहाँ पे। इसको लगा देने के बाद अभी इसको सेव कर देना है, फिर से इसको कट कर देना है पूरा का पूरा जितना भी है एंड इसको कर देने के बाद इसका भी एक ब्लैक कलर का जो फाइल बन जाएगा इसको तो सिंपल से इसको लात मार के डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद अभी देखो हमने फाइल को एडिट तो कर दिया है, लेकिन अभी हम लोग को इसको फुल्ली तरीके से अपने OVV का जो रियल फोल्डर है उसके अंदर डालना है। तो उसके अंदर डालने के लिए एक्सागेयर वापस से ओपन कर लेना है। तो एक्सागेयर ओपन हो जाने के बाद अभी देखो सिंपल से तुम लोग को फिर से फाइल के ऊपर टाइप करना है, ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद माई कंप्यूटर, यहाँ देखो माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर एंड OVV मेकिंग के अंदर। अब यहाँ पे आ जाने के बाद अभी तुमको लोग को फिर से पहली वाली फाइल को सिलेक्ट करना है, लेकिन एक बार इसका नाम ध्यान से पढ़ लेना है जो भी तुम लोग सिलेक्ट करोगे। तो हम पहला वाला ऐसा सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ देखो पहला वाला सिलेक्ट करेंगे एंड उसका नेम क्या है शुरुआत में? 3B3B9D। तो हम लोगों ने याद कर लिया है कि हाँ हमने 3B3B वाली फाइल को मतलब सिलेक्ट किया है, देन ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद किसी एक के ऊपर टाइप करो, सबसे नीचे आओ, सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट करो, ओके कर दो। ओके कर देने के बाद नेम एक बार मतलब एक बार नेम के ऊपर एक बार टाइप के ऊपर क्लिक कर देना है एंड पहले वाला सिलेक्ट किया है तो हमने हमारा जो पाथ आईडी रहेगा वो रहेगा 94। तो 94 हम लोग देख लेते हैं 94 किस जगह है। तो देखो यहाँ पे 94 ये रहा, तो 94 को सिलेक्ट करेंगे एंड कंफर्म कर लेंगे यहाँ से कि हाँ पाथ आईडी हमारी 94 वाला सिलेक्टेड है। अभी तुम लोग को इस बार एक्सपोर्ट डंप नहीं करना है, इस बार तुम लोग को करना है इंपोर्ट डंप। यहाँ देखो इंपोर्ट डंप लिखा रहेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करो, देन माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर एंड OVV मेकिंग के अंदर।
यहाँ पे आ जाने के बाद अभी FF एंड FF मैक्स जो OBB कोड रहेगा, मतलब कोडिंग का जो फोल्डर रहेगा, उसके अंदर आना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद अभी देखो, हमने तुमसे बोला था कि जिस फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम याद रखना, जो कि हमारा था 3B3B9D वाला। तो हम लोग ये जो अननेम्ड असिस्ट 3B3B9D है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हमने देखो अननेम्ड असिस्ट मतलब इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने 3B3B वाली फाइल को बैकग्राउंड में ओपन कर रखा है। तो हम लोग 3B3B वाले को अननेम्ड असिस्ट 3B3B इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर देने के बाद ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद अभी हमारा ये काम पूरा होता है, हम लोगों ने इसको मॉडिफाइड कर दिया है। अभी इसको ओके कर देना है, आप देखो ओके मिलेगा, ओके करना है, देन यस कर देना है। यस कर देने के बाद अभी तुम लोग को माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर OBB मेकिंग के अंदर अब यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ देखो इसका जो फाइल नेम है, यहाँ देखो एक फाइल नेम लिखा है एंड पहले से ही फाइल नेम कुछ लिखा हुआ है। तो सिंपल सा इसके आगे यहाँ पे ऐसा टाइप करना है, आप देखो ऐसा टाइप करोगे तुम्हारा पॉइंटर आ जाएगा। देन ऊपर देखो सबसे ऊपर एक कीबोर्ड का बटन मिलेगा, तो कीबोर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करो एंड ये जो फाइल नेम लिखा है इसको हटा देना है, लेकिन पूरा नहीं हटाना है, शुरुआत का कुछ अंक रहने दो, जैसा कि 3B3B9D इतना हम लोग रहने देते हैं। देन कीबोर्ड के ऊपर वापस क्लिक करके इसको हटाना है, देन इसको सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद अभी हमने पहली वाली फाइल को सेव कर दिया है। अभी हम लोग फिर से फाइल के ऊपर टाइप करेंगे, ओपन करेंगे, देन माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर माई मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं OBB मेकिंग के अंदर, तो इसके अंदर आ जाना है। अभी इसके अंदर आ जाने के बाद हमने अभी 3B3B वाले को सेव कर ही दिया है। अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे EE25 9AC, तो हम लोग याद रखेंगे कि हाँ हम लोग DD वाला ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, दूसरा वाला, देन ओपन करेंगे, फिर से किसी एक के ऊपर टाइप करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद एक बार नेम के ऊपर टाइप करना है, एक बार टाइप के ऊपर टाइप करना है, देन इसकी जो पाथ ID रहेगी वो क्या रहेगी 41, तो 41 हम लोग ढूंढ लेते हैं, सबसे नीचे ही रहेगा 41, तो 41 हाँ देखो 41 ये रहा, तो 41 के ऊपर टैप करेंगे, 41 वाला सिलेक्टेड हो गया। अभी पाथ ID हम लोग यहाँ से कंफर्म कर लेंगे 41 है। अभी इस बार तुम लोग को फिर से यहाँ पे देखो इंपोर्ट डंप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर एंड OBB मेकिंग के अंदर अपने मतलब कॉन्फिग के कोडिंग के अंदर, उसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद अभी देखो हमने कौन सी फाइल को सिलेक्ट किया है, EE25 वाले को। तो हम लोग अननेम्ड असिस्ट EE25 वाले को ऐसा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर देने के बाद सबसे नीचे ओपन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये हमारा मॉडिफाइड हो जाएगा, देन इसको ओके करना है। ओके कर देने के बाद यस करना है। अब यहाँ पे इसको कर देने के बाद फिर से माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर एंड OBB मेकिंग के अंदर अब यहाँ पे आ जाने के बाद सिंपल से देखो इसका भी देखो पहले से ही फाइल नेम कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके आगे ऐसा टाइप करोगे पॉइंटर आएगा, देन कीबोर्ड के ऊपर टिक क्लिक करो, कीबोर्ड आ जाएगा। अभी इसका नेम आधा हटा देना है, तो EE25 9A इतना रहने देते हैं। फिर से कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करके हटाएंगे, देन इसको सेव कर देंगे। अब हमारा काम पूरा होता है। अभी हम लोग अपने एक्स्ट्रा गियर को क्लोज करेंगे, देन अभी फाइनल काम करेंगे जो कि हमें इस वाली फाइल को अपने गेम के अंदर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए फिर से MT मैनेजर को ओपन कर लेना है। तो MT मैनेजर के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो हमने इन दोनों फाइल को आधे आधे नेम से सेव किया हुआ है, तो इन दोनों फाइल को हमें इसका रियल नेम देना पड़ेगा जो कि पूरा पूरा नेम रहेगा। तो इसके लिए देखो हमें अभी देखो इसका नेम आधा है 3B3B9D वाला एंड उसी तरीके से देखो 3B3B9D इसका नेम पूरा है। तो ये वाला जो नेम रहेगा, इसका जो रियल नेम है, इसको कॉपी करके इसका जो आधा नेम है इस पर पेस्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल से देखो ये जो रियल नेम वाला फुल नेम वाला जो तुम्हारा मतलब फाइल रहेगा उसको लॉन्ग प्रेस करना है, रीनेम करना है एंड ये जो इसका नेम रहेगा इसका नेम पूरा कॉपी कर लो। पहले देखो नेम कॉपी कर लो, देन इसको कैंसिल करना है। पहले देखो नेम हमने कॉपी कर लिया, अब सिंपल से इसको लात मार के डिलीट कर देना है। पहले नेम कॉपी कर लेना तब डिलीट करना, ठीक है। तो इसको कर देने के बाद अभी देखो ये जो आधे नेम से है 3B3B9D इसको ऐसा लॉन्ग प्रेस करना है, रीनेम करना है, इस वाली फाइल नेम को हटाना है एंड इसका पूरा का पूरा नेम ऐसा पेस्ट कर देना है, मतलब इसका रियल नेम। तो यहाँ देखो अभी पहले ये 3B3B9D आधा था, अभी हमने इसको पूरा करके ओके कर देना है, ठीक है। अब ये वाली फाइल नेम पूरा होता है, अभी सेकंड वाले भी सेम करना है, इसको ओरिजिनल वाले को बोले तो रियल वाले को ऐसा लॉन्ग प्रेस करके रीनेम करके इसका पूरा नेम कॉपी करना है, देन इसको लात मार के डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद अभी तुम लोग को ये जो आधा नेम है इसको लॉन्ग प्रेस करो, रीनेम करो एंड ये वाला नेम को हटा करके एंड इसका जो रियल नेम है उसको पेस्ट करके ओके कर देना है। अब ये कर देने के बाद अभी हमारी फाइल बिल्कुल रेडी है। अभी हम लोग चलते हैं इसको अपने गेम के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए इधर साइड वाले कॉलम के अंदर तुम लोग को ऊपर 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, स्टोरेज डायरेक्टरी देन एंड्रॉयड के अंदर OBB के अंदर अपने गेम नेम मतलब com.dts. अपने गेम के फोल्डर के अंदर एंड अपने ये जो मेन डॉट करके रहेगा ना, तो इसके ऊपर टाइप करो, आर्काइव व्यूअर के ऊपर वापस से आओ एंड यहाँ पे आ जाने के बाद वही काम फिर से करना है। यार इसको पहले बैक कर देते हैं पूरा। हाँ देखो फिर से टाइप करो आर्काइव
व्यूअर के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम लोग को देखो असिस्ट मिलेगा, देन इसके अंदर आना है, देन उसके बाद बीन, बीन के अंदर आ जाने के बाद डाटा, डाटा के अंदर आ जाने के बाद अभी देखो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स मिलेगी। अभी तुम लोग को कुछ भी नहीं करना है, एक पहले इधर साइड जो हमने इन दोनों फाइल को अभी अभी मॉडिफाइड करके रीनेम किया है ना, तो पहले एक बार ऐसा स्वाइप करोगे, पहली वाली सिलेक्ट हो गई, देन दूसरी वाली स्वाइप करोगे, दोनों साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर देने के बाद अभी तुम लोग को इधर साइड ये वाला फोल्डर खोल के रखना है एंड इधर साइड ये वाला, तो इन दोनों को एक बार में सिलेक्ट करो, देन लॉन्ग प्रेस करो एंड देखो यहाँ पे एक ऐड वाला बटन मिलेगा, तो ऐड के ऊपर क्लिक करके ओके कर दो। ओके कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, तुम्हारा जो ओबीबी फाइल रहेगा वो अपडेटिंग होने लगेगा, बोले तो जो ओबीबी है उसके अंदर तुम्हारा हेडशॉट फाइल अप्लाई होने लगेगा, तो हम लोग वेट कर लेते हैं एंड हो ही चुका है लगभग लगभग, तो थोड़ा सा अच्छा है। एंड यहाँ देखो इस तरीके से फिर से ये लोडिंग होगा एंड लोडिंग हो जाने के बाद ये सेव हो जाएगा। अभी इसको बैक करना है, पहले पूरा बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अभी देखो तुम्हारा जो ओबीबी रहेगा वो दो दो बन जाएगा, एक रहेगा डॉट ओबीबी एंड एक रहेगा डॉट बीएके। तो सिंपल से ये जो डॉट बीएके है, बीएके वाले को सिलेक्ट करो, लात मार के डिलीट कर दो, ठीक है, तो बी ए के वाले को डिलीट कर दो। अब हमारा जो ये फाइल है वो गेम के अंदर अप्लाई हो चुका है। अब तुम लोग जैसे ही गेम को ओपन करोगे तुम्हारा जो हेडशॉट रहेगा वो अप्लाई हो चुका है, ओ बी बी हेडशॉट तुम लोगों ने बना लिया है, तो इस मेथड से तुम लोग बना सकते हो एफ एफ एंड एफ एफ मैक्स दोनों गेम के लिए। एंड देखो कोडिंग का लिंक तुम लोग को मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। एंड तुम्हारा कोई भी अखंड प्राणी दोस्त हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो और हमको जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर डालो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर एंड बाय।